हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ में, मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, मैं अभी हूँ बढ़िया और अभी ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 3:30 बजे से। अभी तक काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई थी, अभी बादल आ चुके हैं और आसमान से आवाज़ भी आ रही है क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई है। 5-6 दिन हो गए बारिश नहीं हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो हो सकता है कि आज बारिश आए हल्की फुल्की या नहीं भी आए, हो भी सकता है नहीं भी, और हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल, मौसम बिल्कुल बंद बंद सा है। तो मैंने सोचा सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं किया मैंने क्योंकि इतना लो फील कर रही ना, मैं कुछ दवाइयाँ खा रही हूँ तो उसकी वजह से पता नहीं आज सुबह उठी भी बड़ी ज़बरदस्ती थी। मुझे नींद सी आ रही है, अभी भी नींद सी आ रही है, मैं दिन भर पड़ी हूँ। सुबह उठी थी मैं, मुझे जाना था आज, संडे आज मुझे जाना था, तो ब्लॉग आप कल देखेंगे मंडे को। फिर मैं उठी ज़बरदस्ती ऐसे ही 7:15 बजे करीब उठी, फिर मैं जा नहीं पाई यार किसी रीज़न से, क्योंकि ये जो गाड़ी वाला था ना वो 10 बजे तक तो वहीं था। उसने बोला कि ऊपर आएगा नहीं, ऊपर से फिर जब टैक्सी स्टैंड तक तुम्हें आना पड़ेगा, और यहाँ से इतनी धूप में ना खड़े होकर गाड़ी का वेट करने का मेरे को बिल्कुल भी था नहीं, क्योंकि मेरे को अजीब से वीकनेस हो रही थी, इसलिए फिर मैं आज गई नहीं। मैंने सोचा कि बुधवार को चले जाऊँगी, मेरा कुछ काम छूट भी गया था, सोचा अगली बार करने से अच्छा एक बार कल देख लेते हैं, अगर वो काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब देख लूँगी। तो दवाई की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई और फेस भी देखिए मेरा कितना डल सा हो रहा है, बिल्कुल आँखें डूबी डूबी सी। फिर मैंने खाना वगैरह खाया, फिर थोड़ा सा मैंने कपड़े धोए, नहाई, फिर लेट गई। फिर अभी मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि अब उठ जा, कितना सोएगी। फिर चाय वाय पी मैंने, उठ के बैठ रखी हूँ मैं बस यहाँ पे, और मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो चलो दिखाती हूँ आपको कैसा हो रहा है मौसम यहाँ पे। सो कुछ इस तरह से बना हुआ है मौसम अभी, आप देखो सामने पूरा आसमान ना देखो बादलों से ढक गया है, और उधर सामने ना मंदिर है, गोलू मंदिर वो दिख रहा ना, तो वहाँ पे ना सुंदरकांड हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ना पुताई वगैरह हुई थी और कुछ काम वगैरह चला था मंदिर का, तो सुंदरकांड हो रहा है। और हमारे यहाँ पे ना सुंदरकांड मतलब जयंती करते हो, आपने मेरे ससुराल में देखा होगा, मतलब देखा ही कहाँ होगा, अभी कभी देखोगे, सारे काम बस औरतें ही करती हैं, सुंदरकांड पढ़ने के लिए तो आदमी दिखते भी नहीं है। तो वहाँ सारे आदमी गए हैं, जेंट्स लोग सारे गए उधर मंदिर में, सामने गोलू मंदिर में, तो भैया भी वहीं गया हुआ है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि 3 बजे से स्टार्ट हो गया था, 6:30 तक ख़त्म भी हो जाएगा। और बस ऐसे बनी हुई है, और इसको ये देखो आसमान कैसे आवाज़ कर रहा, तो इसको ना खेलने के लिए मिल नहीं रहा इधर को, ज़्यादा स्पेस वगैरह तो ये परेशान हो गया है, इसलिए बिल्कुल उदास मायूस सा बैठा था। और यहाँ पे मम्मा ने कुछ अखरोट साफ करके रखे हुए जो बंदरों ने गिरा दिए थे ना पेड़ से, इसमें से आधे तो मैंने खा लिए क्योंकि कच्चे हैं और कच्चे खाने मेरे को बड़े टेस्टी लगते हैं, वाइट वाइट से थोड़ा सा कड़वे कड़वे होते हैं पर अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर रख दिए मम्मी ने सूखने के लिए। तो आज मम्मी यहाँ पे अखरोट फोड़ रही है, तो ये ना कच्चा होता तो ऐसे होता है अखरोट अंदर से, मेरे को अच्छा लगता है इसका टेस्ट, यहाँ दिखाओ इस टाइप का होता है वाइट वाइट सा, और इसका छिलका उतार लो तो ये कड़वा नहीं लगता है ऐसे करके, और नहीं उतारोगे तो कड़वा लगता है, और मुझे छिलके के साथ ही अच्छा लगता है, तो कच्चा अखरोट है, टेस्ट कराने एक बार, बहुत टेस्ट होता है यार, इसको खाओ इसको खाओ। कैमरे समझ अच्छा होता है, बहुत खाते हैं हम से, दिन में भी खाया तो अच्छी लगी मेरे हाथ में। क्या है ये? क्या है? मजा आ रहा, मजा, तू कड़वा बोल रही थी, कड़वा बहुत मजा, ऐसा होता है गाइस, बहुत टेस्ट लगता है। मुझे तो अखरोट बहुत ज्यादा पसंद है, कच्चा हो सूखा हो पका हो कैसा भी हो, तो मैंने बहुत खा दिया है तो एक मिनट जरूर देती थी। सो गाइस, हल्की हल्की बारिश होना ना चालू भी हो गई है, देखो बोलते ही आ गई है, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना 3-4 दिन से, बारिश ने तो आना ही था। मैं चाहती हूँ थोड़ा मोटी मोटी सी बारिश आ जाए 1-2 घंटे, ताकि थोड़ा मौसम ना ठंडा ठंडा हो जाए, थोड़ा ठंडक हो जाए मौसम में। इतनी ज़्यादा भाप उठ रही है ना ज़मीन से, क्योंकि काफ़ी तप चुकी है धरती गर्मी की वजह से। और मम्मी गई हुई है मेरी घास को, तो मम्मी हमारी भी गई होंगी, वो जस्ट गई ही थी और बारिश आ गई। तो यहाँ पे आज मम्मी का ना संकट चौथ का व्रत है, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे तिल और चावल रखे हुए हैं, जौ और दूध भी चाहिए होता है, जौ मुझे मिल नहीं गई, पता नहीं मम्मी ने खा रखी हुई है, दूध मैं बाहर से ढूंढूंगी, पर अभी बारिश हो रही तो इसलिए नहीं ला रही हूँ, मैं भी करती हूँ, बट आज मुझे ना दवाई वगैरह भी खानी थी, सफर में भी जाना था, तो उसने मम्मी ने सुबह बोला कि रहन दे मत खा, फिर गई तो नहीं मैं, पहले पता होता तो व्रत हो जाता, तो मैं भी करती हूँ बट आज मैंने नहीं किया है यार, तो आज मम्मी ने कर रखा है। तो शाम को मम्मी पूजा करेगी चंद्रमा की, तो मैं ना ये 108 तिल और 108 चावल ना बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कोई भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए, तो साबुत साबुत चावल छाटती थी, ऐसे सारे साबुत हैं, तो 108 108 करके मैं इनको अलग रख लेती हूँ, और फिर जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगी फिर जाके मैं
तेल छाट के जौ सॉरी दूध ढूंढ के रखेंगे। तो पहले फटाफट से इसकी काउंटिंग करके देखो भी कितने सारे दिख रहे हैं और 108 में कितने दिखते हैं दिखाती हूँ आपको। दांत ना टूट जाए अखरोट तोड़ने के चक्कर में, उसको मैं तोड़ लेती थी दांत से। तो ये है सूखा हुआ अखरोट, पिछले साल का है तो कुछ खराब भी हो गए इसमें से, कुछ इक्के दुक्के अच्छे अच्छे निकल रहे तो वो मैं खा ले लूँगी। देखो तोड़ दिया मैंने दांत से। पिछले साल से रखे चीज़ सुखाया भी नहीं थे ना, तो कुछ खराब खराब भी हो रहे हैं कुछ सही सही भी हो रहे हैं। तो ठीक है, देख रहे हो 6 बजे शाम को मेकअप कर रही है मम्मी मेरी 6 बजे। या कितनी दूर जाने के लिए मेकअप हो रहा है? मैं वहां जा रही हूँ हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? हैदराबाद जबकि इसको मेकअप की जरूरत ही नहीं है गाइस, देखो इसकी स्किन कितनी साफ है। मेकअप की जरूरत नहीं है, अभी मेरे में बारिश में घास को गई थी तो मेरा सिंदूर पानी से पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया, सब खत्म, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। मेकअप नहीं करी, थोड़ा बाल बाल बना रही, थोड़ा सिंदूर डाल ली, थोड़ा 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 बाल बना रही हूँ मैं, बस सिंदूर थोड़ा डाल बाल ली बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सिंदूर डाल रहा हूँ। सर धुला जैसा हो गया। अच्छा मेकअप मेकअप क्या चाहिए, मेकअप बुढ़ी अवस्था में क्या चाहिए भी बुढ़ी अवस्था में? क्या चाहिए फिर कोई, मैं नई नई लड़की थोड़ी हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ। टोपी मस्तक रही साजना, सर पर लाल टोपी कन्या भजन में संग चले साजना, इस समय डांस करती थी याद है कभी कभी। ज्यादा नहीं मटक कमर फिर होगी। फिर क्या होता है ना, तो गाइस यहाँ पे मैंने ना रख दिया है दूध और फूल भी रखी है, तो फिर शाम को फूलने देंगे चावल और फिर जो अभी साफ करूँगी। मम्मी आई थी, मम्मी फिर चले गई, मैं भूल गई जो कहाँ रखते हैं, कुछ मुझे अंदर कहीं मिले नहीं, मैंने ढूंढ लिया था तो मिल जाएंगे, ये नहीं होंगे तो आ जाएंगे। और बाहर भी हो गई बारिश भी बंद, तो मैं अभी अब सब्जी वब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी अभी कहीं जा रही है, फिर मम्मी आएगी शाम को जब चार निकलेगा तब पूजा करेगी, पहले फटाफट से हम सब्जी वगैरह भी काट लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लौकी काट दी है, धो दी है, रख दी है, मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ। दोनों पूरी नहीं आने पापा घूमने गए और मम्मी गई हुई है काम पे, तो दोनों नहीं आए हैं और शाम होने लग गई है। अभी भी बादल लगे हुए हैं, बारिश तो बंद हो गई है, क्या पता रात को फिर से बारिश होगी। कई हमारी बाहर पे है क्योंकि मेरे से बाद नहीं जाते, मेरे को डर लगती है, तो मैंने धुआं लगा दिया क्योंकि उसको बड़े मच्छर लग रहे थे। यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए मैंने धुआं लगा दिया क्योंकि बाद में मेरे बस की बात है नहीं, तो शायद आ जाएंगे मम्मी पापा भी थोड़ा देर में, उसके बाद बाँध देंगे इसको और तब तक हम सब्जी डालते हैं। तो गाइस ये बन गया है मोदक, छोटे छोटे ये बनाए, 11 बनाए होंगे, 4-5 11 मोदक बना के रख दिए मम्मी ने यहाँ पे, तिल के लड्डू उनके और चीनी डाल के और चिकू भी रख दिए है, थाली भी रख दी और पहले को खाना खिला देंगे, फिर मैं और मम्मी करेंगे आराम से पूजा, क्योंकि चंदा मामा अभी तक आए नहीं और 9 बजने वाला ही है। तो चलो पहले ये लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद हम करेंगे पूजा।
शीशी चढ़ाना हाथ आज बात चांद निकल चुका है वो देखिए, और 9:45 हो गया है, सब पूजा हो गई है, पर मम्मी चांद का वेट कर रही थी तो अभी कर रही हूँ मैं पूजा। अंदर गणेश जी की पूजा होगी, यहाँ पे चंद्रमा को चढ़ाया जाएगा, जल पिठाई अक्षत वगैरह सब कुछ। पैकेट में से ले आओ, यहीं पे देखने लायक इतना बड़ा।